हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जा रहे हैं सिद्धि विनायक मंदिर और दो तीन जगह और है, वो सब एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोगों ने खाना खाया है सुबह के, क्या टाइम है, दोपहर के, सॉरी सुबह नहीं दोपहर, अभी दोपहर के 2 बजे हुए हैं। तो अभी यहाँ से साकीनाका से हम लोग जाएंगे घाटकोपर, वहाँ से लेंगे लोकल ट्रेन दादर के लिए एंड उसके बाद फिर वहाँ से ऑटो लेके सिद्धि विनायक टेम्पल, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो पूरा देखो ब्लॉग को, बहुत मज़ा आएगा। शुरू करते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं घाटकोपर मेट्रो स्टेशन एंड हम लोगों को जाना है घाटकोपर। तो अभी ट्रेन पकड़ते हैं और यहाँ से जाते हैं घाटकोपर। हम लोग पहुँच गए हैं घाटकोपर मेट्रो स्टेशन। तो अब यहाँ से लोकल स्टेशन है, वहाँ चलते हैं। बहुत ज़्यादा पब्लिक है इस वाले मेट्रो स्टेशन पे, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली लोकल ट्रेन से अटैच है पूरा का पूरा ना, इस वजह से इतनी ज़्यादा पब्लिक है इधर। अभी हम लोग आ गए हैं लोकल स्टेशन पे, जिधर हमको लोकल ट्रेन मिलेगी। तो वो भी आपको दिखाता हूँ कि लोकल ट्रेन के अंदर कैसा मतलब एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मुंबई में लोकल ट्रेन का दबदबा है। एक्चुअली इधर मेट्रो नहीं चलती जैसे दिल्ली में मेट्रो चलती है, इधर लोकल ट्रेन में आपको ट्रैवल करना है, किधर भी जाना है आपको लोकल ट्रेन चाहिए। तो अभी हम लोग पहले टिकट लेते हैं, फिर यहाँ से हमको जाना है दादर ट्रेन पकड़ के। तो देखो काफ़ी भीड़ है इधर। यहाँ पे सारे मशीन्स हैं जो डिजिटली आपको टिकट करके दे देगी। तो इधर अंकल बैठे हुए हैं, वो टिकट कर रहे हैं, तो वहाँ से टिकट ले लेते हैं। हम लोग रिटर्न का टिकट लेते हैं। तो अभी हम लोग हैं लोकल स्टेशन पे मुंबई के और ये घाटकोपर स्टेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कितनी ज़्यादा भीड़ है, ये लोकल ट्रेन है और लोकल ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ है, क्या बताऊँ कैसे खड़े हैं। लेकिन हम लोग भी हरियाणा रोड पे वाले हैं, मार थोड़ी खाएंगे। और यही रहता है मतलब 12 महीने ऐसा ही हाल है। ये हम लोग सेकंड क्लास में हैं, कोशिश करेंगे आते हुए फर्स्ट क्लास में आए, पर चलो भीड़ तो इतनी मिलने वाली है भाई मुंबई में। अभी यहाँ पे ज़्यादा फोन यूज़ नहीं करता हूँ, क्या मतलब पब्लिक है, तो उतर के करता हूँ आपसे बात। लड़के लोग कैसे खड़े हैं भीड़ भीड़ में। फाइनली पहुंच गए, थोड़ा सा मुश्किल सफर था पर अच्छा था, मज़ा आया। तो हम लोगों ने गाड़ी बुक कर दी और अब यहाँ से जाएंगे हम सिद्धि विनायक, क्योंकि यहाँ पे ना इस एरिया में मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, कोई भी ऑटो वगैरह नहीं मिलेगा, सब यहाँ पे आपको टैक्सी मिलेंगी, ये ब्लैक एंड येलो कलर की। तो हम लोगों ने एक बड़ी गाड़ी कही जिसमें 6 के 6 लोग आ पाए। तो एक बार सारे हाय बोल दो भाई। हेलो। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, 3 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से हम लोग जाएंगे सिद्धि विनायक टेम्पल। तो देखते रहो। हाँ वो सब उधर तो मैंने शो भी किया है, जो शाहरुख के बंगले से आगे ताज है ना एक, उसमें शो किया मैंने। आपका नाम क्या है? मुकेश। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं सिद्धि विनायक टेम्पल एंड बहुत अच्छे भैया थे। 300 अच्छा नहीं, अभी अभी टाइम लगेगा हम लोगों को ना। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। कुछ सामान तो नहीं रहा भाई, देख लो अपना एक बार, नहीं रहा ना। ठीक है भैया, चलो हम लोग पहुंच गए हैं। जो सामने वाली गली है ना, इधर है सिद्धि विनायक टेम्पल। तो अभी चलते हैं अंदर, चलो। सो ये रास्ता जाता है सिद्धि विनायक। एक्चुअली मेरे को भी पता नहीं है कि अंदर वीडियो अलाउड है या नहीं है, तो अगर वीडियो अलाउड रहेगी तो मैं आप सबको भी दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तो हम जा रहे हैं अंदर। अगर वीडियो अलाउड नहीं होगा तो उस चीज़ के लिए आई एम रियली सॉरी। सो ये एंट्री है इधर से, इधर ये लाइन में जाना है और इधर कुछ शॉप्स वगैरह रहेंगी। सो अभी मेहर और ये यश वगैरह कुछ बाहर ना बैग रखने के लिए गए हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं।
तो अभी चलते हैं अंदर। उन्होंने बोला कि कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोन अलाउड है, पर देखते हैं कहाँ तक फ़ोन अलाउड रहेगा। मैं अंदर पूछ के यूज़ करूँगा, जिधर भी करूँगा, बिना पूछे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा टेम्पल है, काफ़ी मान्यता है इस टेम्पल की, तो कहीं पर भी कोई भी प्रोटोकॉल हम ऐसा है फॉलो ना करें, फॉलो करने पड़ेंगे, कोई प्रोटोकॉल रहेगा टेम्पल का, तो देखते रहो। एक्चुअली यहाँ पे ना ट्राईपॉड अलाउड नहीं है, तो इसी वजह से मेरे को हाथ में पकड़ना पड़ रहा है फ़ोन। तो जब गणेश चतुर्थी होती है ना तब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इधर, बट अभी मेरे को लग नहीं रहा कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, पर भीड़ तो है। अंदर फूल मालाएं चढ़ रही हैं सिद्धिविनायक जी को। दर्शन कर लो गाइस, ये सिद्धिविनायक जी। दर्शन हो गए गाइस, बहुत अच्छे दर्शन हुए और काफ़ी अच्छा लगा। ये छोटा सा मोदक बहुत ही टेस्टी है खाने में, बहुत टेस्टी है। प्रसाद सिद्धिविनायक जी का। अब यहाँ से है एंट्री, सॉरी एग्जिट है, एग्जिट। और जितनी भी ये शॉप्स हैं यहाँ पे मिठाई वगैरह और गणेश जी से रिलेटेड सामान मिलता है, तो एक बार इधर चेकआउट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली ऐसे ऐसे मूर्तियाँ मिलेंगी यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा मार्केट के अंदर ना, जैसे गणेश जी के जैसे ऐसा वाला, गाड़ियों के लिए छोटी छोटी मूर्तियाँ और भी काफ़ी कुछ रहेगा इधर। एक बार दुकानों में जाके देखते हैं कि क्या क्या प्राइजेज रहने वाले हैं। सो मैंने एक तो ये लिए हैं, काफ़ी अच्छे लगे मेरे को, मेरी नई गाड़ी के लिए। 1100 का ये मटेरियल, मटेरियल मैंने दो लिए हैं, एक तो लक्ष्मी जी लिए हैं एंड एक चीज और लिए मैंने। भैया आपका नाम क्या? बंटी। बंटी भैया के शॉप पे तो आओ, अगर सिद्धिविनायक तो जरूर आना है यार इनके पास। ठीक है भैया, थैंक यू। हम लोग आ गए हैं बाहर, बहुत अच्छे दर्शन हुए एंड दो तीन चीज़ें भी ले ली हैं, तो अभी हम लोग जाते हैं बाहर। मैं आपको थोड़ा सा ही दर्शन करवा पाया क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो ज़्यादा मेरे को सही नहीं लगा उधर फ़ोन यूज़ करना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई बोल देगा कि भाई फ़ोन अलाउड नहीं है शायद, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे, उसी रीज़न से मैंने भी वीडियो बना ली, अदरवाइज़ अगर ऐसा होता कि अलाउड नहीं है तो मैं डेफ़िनेटली कोई वीडियो बनाता ही नहीं। बट जैसा कि आपने देखा, तो अभी हम लोग चलते हैं, अभी देखते हैं आगे क्या प्लान है, कैसे करना है, लेकिन फ़िलहाल तो हमको वापस से जाना है दादर स्टेशन एंड उसके बाद फिर वहाँ से घाटकोपर मेट्रो स्टेशन से लेके साकीनाका। तो चलते हैं, अभी देखते हैं क्या प्लान करते हैं। आते हुए तो हम कैब में आए थे, बट अब जाते हुए ना हम लोग लेंगे जो लोकल बस है, तो लोकल बस का भी मज़ा लेके देख लेते हैं एक बार कि लोकल बस में कैसी वाइब है। तो आगे से मिलेगी हमको लोकल बस दादर स्टेशन के लिए। यहाँ से कोई 1 किलोमीटर दूरी है दादर स्टेशन, तो सोचा क्यों ना सारे लड़के लड़की ये पैदल चलते हैं, मतलब इतना भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि बस में जाएं या कैब वगैरह लें। तो यहाँ से बस में जाने से अच्छा हम लोग पैदल ही चलें, ताकि थोड़ा सा देख भी लेंगे, एक्सप्लोर भी कर लेंगे जो स्ट्रीट है मुंबई की, एंड साथ में हम पहुँच भी जाएंगे देखते देखते, बातें करते करते। तो पैदल ही चल रहे हैं हम लोग स्टेशन पे। तो अभी ये जो रास्ता है ये गिर रहा है, तो जो तो रास्ता है यहाँ से कोई 1 किलोमीटर पड़ेगा हम लोगों को दादर स्टेशन, तो हम लोग पैदल ही चलते हैं। एक्चुअली आते हुए हमें लूट ही लगा लगा, लूट लिया गया शायद कैब वाले ने, हमको लूट लिया भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है। घुमा के लेके आया हूँ 3-4 किलोमीटर एरिया, मैं ही पहली बार आया हूँ तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि कैसे जाना है, तो कोई बात नहीं फिर भी। गाइस इधर एक जगह है, चौक है एक, और इतने ज़्यादा कबूतर है ना, बहुत ही ज़्यादा। वेट अ मिनट, लेट मी शो यू, सी देखो कितने कबूतर हैं।
ये पूरा स्ट्रीट मार्केट है एंड बहुत ज़्यादा भीड़ है इस मार्केट में। भैया क्या प्राइस है? अलग अलग है सबका क्या? वो रखा है इसके ऊपर है 500 रुपये का। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ज़्यादा बोल रहे हो? ये सही है ये वाले जो उसको छोटा है जो ना 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 सर ये देखो थोड़ा और है, तो ये नहीं है। है कौन से वाले? यही जो हाँ ये थोड़ा सा वैसा है ना। हाँ अलग तरीके वेलवेट वाला ये देखिए सर वो 400 का आएगा इस टाइप। नहीं रेट तो ज़्यादा ही है भैया के। ठीक है भैया थैंक यू सो मच। तो बेसिकली मैं मेरे को लेना नहीं है, मैं देख ही रहा था कि इधर कैसा रेट मिलेगा। वही एज यूजुअल मुंबई के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगा और हो सकता है मेरे को फॉरनर सोच के वो थोड़ा ज़्यादा ही रेट बता रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो इतना। ये लोकल ट्रेन है भाई देख लो, लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन है। पब्लिक देखो भाई कितनी ज़्यादा है स्टेशन पे। ओह माय गॉड कितनी पब्लिक है। पोल्यूशन देखो भाई धुआं। अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है स्टेशन पे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन आएगी इस वाले प्लेटफॉर्म पे, इधर आएगी ट्रेन। आपने प्लेटफॉर्म पर रखे कूड़ेदान का सही इस्तेमाल किया इसलिए मोगैम्बो खुश हुआ। इससे अगला स्टेशन है घाट पोपर, तो वहाँ उतरना है हम लोग। बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखना मेयर को छुप ही गया। मेयर कहाँ है भाई? कुछ कर ले तू। मेयर बता ये रहा मेयर। दो इच्छे लोग कोई बंद जगह दो बंद दूं पूरा बॉस जो होते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और उतरते हुए दिक्कत आई, पर अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट स्टेशन से मेट्रो स्टेशन की तरफ। आ गया भाई साकिनाका मेट्रो स्टेशन। इसके बाद कोई प्लान नहीं है, इसके बाद घर चल के सोएंगे। कितनी भीड़ है भाई देखो कितनी भीड़ है। और भाई राहुल देख ब्लैक एंड वाइट क्या बात है। ए बेबी कितना ट्रैफिक है, फुल ट्रैफिक। तो रात हो गया, पूरा दिन लग गया हमको, तो अभी हम लोग अभी तो पेट भरा हुआ है, थोड़ी देर में कुछ खाएंगे। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे प्रेम चाह आपले पंचा स्वाद। हाँ भाई राहुल कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है मेहर, मज़ा आ रहा है सर बहुत ज़्यादा। ओके हम लोग ऐसे एक्चुअली ऐसे ही घूम रहे थे तो ये मिल गया हमको बीच में, किसी ने बताया था बहुत फेमस है इधर की चाय, तो हम लोग सोच रहे हैं कि चाय पी के देखते हैं एक बार। ये भी काफ़ी टेस्टी है, तो अच्छी चाय है इधर की। एक्चुअली जितने दिन से भी हम लोग डिनर कर रहे हैं ना इधर कर रहे हैं, अभी हम लोग खाना खा चुके हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।